गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वंस अगेन आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज पता है आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ? आज मैं जा रहा हूँ है हमारे उमरान मलिक, कौन नहीं जानता उसको, सब जानते हैं। आईपीएल में उनने इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग करके हर एक किसी का दिल जीत लिया, स्पेशली जम्मू वालों का। सो अब वो इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन हो चुका है, अब वो खेलेंगे इंडियन टीम की तरफ से। तो हम ने सुना है कि वो शाम को ना प्रैक्टिस करने आते हैं हमारे साइंस कॉलेज के ग्राउंड में, तो मैं सोचा कि उनसे मिलना चाहिए। वो चलते हैं फटाफट से ग्राउंड जीजे साइंस कॉलेज के ग्राउंड में एंड जाके फिर उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे बंदे हैं वो, कैसा उनका नेचर है। आते हैं प्रैक्टिस करने, अगर आज आए होंगे, हमारी किस्मत में होगा तो उनसे मिल लेंगे। और पहली ऐसी सेलिब्रिटी है जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ एंड मैं प्रे करता हूँ कि यार उनका जो करियर है ना हमारे क्रिकेट टीम में काफ़ी अच्छा रहे, जम्मू का जो नाम है ना वो भी वो अच्छे से रोशन करें। ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, अच्छी बात है, जम्मू की पहचान जो है वो बदल जाएगी अब लोगों की नज़रों में, और तो लोगों का जो नज़रिया है जम्मू के लिए वो भी अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे और टैलेंट की हमें अभी ज़रूरत है, तो फटाफट से चलते हैं उनके पास सीजन साइंस कॉलेज हॉस्टल बैक जो ग्राउंड है वहाँ पर, और शायद वो हमें मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि वो 3 से 5:30 साढ़े 6 बजे तक वहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, ऐसा मुझे सौरभ भैया बता रहा था। तो चलते हैं फटाफट से और मिलते हैं उनसे गाइस। तो अगर एक बार हम चक्कर गा के आ चुके हैं, हमें नहीं मिले तो दोबारा चलते हैं यार, इस बार पता कर लेते सिक्योरिटी गार्ड से कि आते कितने बजे वो। और रियली में मुझे उनसे मिलना है, मैं चाहता हूँ मिलना। अब जम्मू की पहचान बनने वाला बंदा है, अब आगे जाके पता नहीं मिले या ना मिले, तो फिर फाइनली अभी ही मिल लेते हैं ना, सही रहेगा। फिर हम उसे TV में देखा करेंगे और याद करेंगे भाई हम इनसे यहाँ मिले थे। अब 9 तारीख को जनाब जी मैच खेलने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच होने वाला है 9 जून को, ऐसे भैया बता रहा है। सो ठीक है ना, अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे, यार पहले से खड़े थे, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि भैया क्या टाइमिंग है उनके आने की। हम लोग जाते हैं खुद यार, क्यों बड़े बंदे को बुलाना है ना। रनिंग कहाँ आजकल बंद है। उमरान मलिक जी प्रैक्टिस के लिए कितने बजे आते हैं? जब भी आते हैं वैसे किस टाइम आते हैं? दिन को और सुबह नहीं आते? अच्छा अच्छा, 2-3 साल हो गया तो बंद हो गया। मना है रनिंग सारी, मना है कोरोना शुरू हुआ। अच्छा हां, कोरोना के टाइम से हो सकता है। जो अंदर स्टूडेंट जाते थे वो कैसे? इनके तो परमिशन या गेट पास बना होगा। हां वो कहना किसी ग्राउंड के जाते हैं, जेकेसी के बच्चे हो। हां क्रिकेट एसोसिएशन के बच्चे हैं ना, उन्होंने एडमिशन ले रखे हैं उधर। हां क्लब जाएंगे वो तो सुबह सुबह नहीं आते, बस दोपहर को है ना, दोपहर को 3 बजे चले जाएंगे। 5 तारीख को हां दिल्ली को मैच है, 9 तारीख को दिल्ली को मैच है। पहले कभी मिले हो आप उनसे? पहले कभी मिले हो? तब मिलकर अब मिलके कैसा लग रहा है, कोई फर्क लग रहा है? मतलब जब पहले मिलते थे अब मिल रहे हो तो कोई डिफरेंस लग रहा है आपको उनसे मिलने में? अब तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, हमारे जम्मू का नाम आगे लेके जाएंगे ना। सही बात है, जम्मू का नाम होना चाहिए यार, कि बाहर के लोगों के ना हमारे जम्मू के लिए थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है। तो चलो अब बाकी नेचर कैसा है उनका? सही नेचर है ना, बस ऐसे ही बंदा होना चाहिए। और जम्मू के यहाँ से 2-3 और निकले, अंकल जी अच्छे ट्रेन करवाया करो, हौसला दिया करो। हाँ जी हाँ जी, मिल तो लेते हैं, सबसे ऐसी बात नहीं पड़ो। हाँ अच्छी है, इंस्पिरेशन है हमारे JNK के लिए यार, मिलना चाहिए लोगों को। अब उनके बहाने रहो, कुछ क्रिकेट के लिए भी करेंगे ट्राई यार, तो पहले तो कुछ एफर्ट डालना ही बड़ी बात होती थी। अब तो ओवर लेंगे, जितना पहले था तो ओवर लेंगे। क्या देखना क्या देखना, चाबी लगी रहेगी एक मिनट। हमारे JNK में ना सिर्फ ये एक ग्राउंड है खेलने के लिए एंड एक MM ग्राउंड नया बना हुआ वो उस साइड है, बट अभी वो ना रिसेंटली मेरे होते होते तैयार हुआ, लेकिन पहले जो मेन लोग थे वो ना प्रैक्टिस इसी ग्राउंड में किया करते थे। यही है, हम यहाँ पे रनिंग करने भी पहले ना, मैंने 2-3 साल ये हमारा हॉस्टल था तो हम यहाँ से आते थे रनिंग करने के लिए और ये पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते थे, और यहीं से वो बंदा निकल के गया है। और कितनी सही है ना, इंस्पिरेशन है हमारे आने वाले यूथ के लिए यार, क्योंकि अगर जब एक बंदा निकल जाता ना तो उसके साथ की जो जनरेशन होती है वो तो पक्का उसी पे फोकस कर। और ये है हमारी JK क्रिकेट एसोसिएशन का वो सामने ग्राउंड एंड वो CLU का ऑफिस और कॉलेज को मैंने दिखाई दिया अभी जाते वक्त, मैं दोबारा आया था एक्चुअली। ये कह रहे हैं कि अब वो चले गए हुए हैं तो उनका 5 तारीख को अंदर निकलना है, 9 को उनका मैच है ना तो 5 को वो निकल जाएंगे। तो
5 को निकल जाएंगे, तो एक दो दिन आए थे प्रैक्टिस के लिए, 3 बजे आते हैं, 6 बजे से पहुँचे जा चले आते हैं। तो अगर किसी ने ट्राई मारना होगा मिलने का तो आ जाना, आज हमारी किस्मत में नहीं था तो कल हम फिर से आएंगे, देखते हैं थोड़े दिन। अगर 5 को है तो क्या पता एक दो दिन तो मैं प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए ना। तो चलो फिलहाल गाइस चलते हैं उनके घर की तरफ और फिर देखते हैं। तो अंकल ने बताया यार उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है और ऐसा ही नेचर होना चाहिए। तो चलते हैं फिलहाल अब उनके घर की तरफ, फिर मैं वहाँ जाके व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। अगर वो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो चलो आपको घर ही दिखा देंगे उस बहाने। आप में से किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है कमेंट करके बताओ फटाफट से गाइस। आगे है इमरान मलिक जी का घर, तो चलते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बार कर रखी है एंड पोस्टर लगा रखे हैं। देखो मोहल्ला कैसे सजाया हुआ है। सही बात है भाई, अपने एरिया से कोई निकल के गया है, बंदे की शान है। तो पूछते हैं गाइस, भैया इमरान मलिक का घर यहीं पर है? हाँ, स्कूल में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं उधर? हाँ जहाँ खड़े हैं वो है ना। तो फंक्शन क्या हो रहा है वहाँ पे, फंक्शन क्या हो रहा है? आप लोग नहीं गए क्यों? अब तो सेलिब्रिटी बन गए हैं यार। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ इसके अंदर और यार भीड़ देख के तो मैं कसम से शॉक था कि इतनी तगड़ी भीड़, इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है भाई की। और इन चाचा को देखो यार, इन चाचा का तक अलग ही स्वैग है। चलो यार आगे जाते हैं, भीड़ में घुसते हैं फिर देखते हैं। भीड़ तो घुसने का मौका ही नहीं दे रही, तो काफ़ी कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना। गुज्जर नगर में एक स्कूल है, वहाँ पर इनका करवाया हुआ है अरेंज। और यूँ कहते हैं ये है हमारे उमरान मलिक, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, चेहरे पर जो स्माइल है उसका तो यार जवाब ही नहीं है। और पीछे इनके पापा हैं, बट थोड़ी ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से मैं उनको दिखा नहीं पाया। तो अभी देखते हैं, अभी जो आगे पास जाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा भीड़ थी, कसम से संभालना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो पुलिस ने से काफ़ी सेम है, बड़ा अच्छा बंदा था, मिलके भी मुझे नाइस लगा। फोटो खिंचाने गया था पर जा नहीं पाया यार, फिर कोई नहीं, आने वाले टाइम पे कभी खिंचवाएंगे। तो गाइस चलते हैं, अभी यहीं पे था उनका फंक्शन। और यार देखो ना क्या, कभी वो इन्हीं गली में घूमा करता था, यहीं पे खेलता था, तब ये लोग उसको पूछते भी नहीं होंगे या फिर उसके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। और आज उसके फेस पे जो स्माइल थी, क्राउड तो आपने देख ही लिया है, क्या बवाल फैन फॉलोइंग थी यार, है ना। कितने लोग उसे मिलने आए हुए थे। और उसके बाद उसके पापा के फेस पर जो स्माइल थी ना यार, वो सबसे सही थी, सबसे अलग स्माइल थी यार। बड़े बड़ी खुशी थी, मजाक के बिना उनके बेटे को मिलने आज इतनी संख्या में लोग आ रहे थे। जिस स्कूल में वो पढ़ के गया, शायद वहाँ पढ़ा हो, मुझे पता नहीं है, मैं तो आपको बस ऐसे बता रहा हूँ आइडिया से, कि वो यहाँ से पढ़ के गया है, जहाँ से वो पढ़ के गया है आज उस स्कूल में उसको मिलने के लिए लोग आ रहे थे। हमें हाथ दे, हम रुकते हैं यार, रिस्पेक्ट है हमारे मन में उनके लिए, क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं है। अगर हाथ दिया तो किसी इशू की वजह से दिया होगा, पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। अगर पीछे वाले ने टोपू ने लगाया हो या फिर कोई और बात हो तो फिर हम मानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यार रिस्पेक्ट करो, इतनी देर धूप में खड़े रहते हैं ना, तो हमारे लिए खड़े हैं। तो गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो एंड उमरान मलिक को देख के भी आपको खुशी हुई हो। भगवान करे उसका करियर बहुत ही अच्छा बन जाए, एक नाम बनाए जम्मू का, वो बाहर जाके इंडियन टीम के लिए खेलने वाला है। तो फटाफट से यार उमरान मलिक के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दो गाइस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। अपने मुन्ना से बता रहा हूँ कि प्रीवियस 3 वीडियोज़ में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है,
और अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स देते रहोगे ना तो मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके लिए एक अच्छे अच्छे से कंटेंट सोचूँ लेके आऊँ। और अगर आपके माइंड में कोई है तो मुझे वो ज़रूर कमेंट करके बताना। हाँ, कोई कमेंट कर रहा था टॉप स्पीड के लिए इसकी, तब तक मैं वो भी ले आऊँगा फटाफट जितना जल्दी हो पाए। मेरे पास एक्चुअली क्या है कि प्रीवियस ब्लॉग पड़े हुए हैं, तो पहले मैं उन ब्लॉग्स को डाल देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं एक टॉप एंड का भी ब्लॉग ज़रूर ले आऊँगा। सो आपके और कोई ख्वाहिश हो तो गाइस जल्दी से बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, सेफ रहो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।